दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में आया सूर्य और रिंकू का तूफान, टी20 मैच के अंदर 300 रन ठोककर रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के बाद पहला टी20 मैच आज खेला गया। इस मैच में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह दोनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऐसा परचम लहरा दिया जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 300 रन ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित किया है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ दोनों की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज मैच जीत हासिल करके आई है, जिसके बाद अब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज गुवाहाटी के मैदान पर वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले से पहले टी20 मैच खेला। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को आमंत्रित किया। हालांकि रोहित शर्मा का यह फैसला काफी गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम को पहले ही ओवर में दो बड़े झटके लग गए। इतना ही नहीं, दूसरे ओवर में भारत को सबसे बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, पहले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल 2 और 3 रन बनाने के बाद गेंदबाज मिचेल स्टार्क के सामने LBW आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली आए, लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर में विराट कोहली भी अपना महत्वपूर्ण विकेट दे बैठे। इस दौरान विराट कोहली बिना खाता खोले गेंदबाज जोश हेजलवुड के सामने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए। वैसे में 10 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर जाने के बाद रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने तो 1 रन के साथ अपना खाता खोला, वहीं दूसरी तरफ से रिंकू सिंह ने चौके के साथ अपना खाता खोल कर दिखा दिया कि वह इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों ने एक बात को ध्यान में रखा कि इन गेंदबाजों के खिलाफ डिफेंसिव खेलने के बजाय आक्रामक बल्लेबाजी की जाए तो भारत को फायदा ज्यादा हो सकता है, जिसका फायदा आखिरकार भारतीय टीम को मिल गया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले का पूरा उपयोग किया और पावर प्ले के अंदर बचे हुए 4 ओवर में मिलकर 88 रन बटोरे, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के बाद भारतीय टीम को आगे ले जाने का काम किया। इस दौरान दोनों ने मिलकर सिर्फ अपना अपना अर्धशतक ही नहीं बल्कि अपना अपना शतक भी पूरा किया। तो इस दौरान रिंकू सिंह ने छक्का लगाने के साथ 23 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव ने बेहतर बल्लेबाजी करके 31 गेंद पर अपना शतक पूरा किया, वहीं रिंकू सिंह ने 44 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। तो सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाज एडम जंपा को आड़े हाथों लेते हुए 1 ओवर के अंदर लगातार 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 32 रन बटोरे। दूसरी तरफ से रिंकू सिंह टीम को संभालते हुए आगे ले जाने का काम कर रहे थे। इस दौरान सूर्य ने मात्र 44 गेंद पर अपना 150 रन का आंकड़ा पूरा किया और इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए अंत तक नाबाद रहे। आपको बता दें, दोनों बल्लेबाजों ने अंत तक नाबाद पारी खेली, जहां पर रिंकू सिंह ने 55 गेंद पर 122 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 7 छक्के लगाए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने अंत तक नाबाद 50 गेंद पर 180 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 22 चौके और 17 छक्के लगाए। तो इस दौरान दोनों ने मिलकर 302 रन की साझेदारी की, इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों, अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 15 रन, हार के मुकाम पर थी टीम इंडिया। फिर हार्दिक पांड्या और रिंकू ने अपने बल्ले से कहर बरपाते हुए मचाई ऐसी तबाही कि छक्कों से दहल उठा वानखेड़े का मैदान। हार्दिक पांड्या ने अंतिम गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर कैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में भारत को चमत्कारी जीत। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वर्ल्ड कप से ठीक पहले टी20 सीरीज में जैसे कंगारुओं का सामना भारत से हुआ, हिंदुस्तानी शेरों ने इस कदर कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। आपको बता दें कि 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े के मैदान पर खेला गया, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उनके लिए डेविड वार्नर के साथ कैमरन ग्रीन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आई। ये दोनों अपने टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे। ग्रीन ने सिराज को पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़कर अपने रनों का खाता खोला। दूसरी ओर से वार्नर ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोनों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 55 रनों तक पहुँचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सिर पर कफन बांध कर आए थे। भारतीय फैंस के चेहरे पर निराशा की लहर देखी जा सकती थी, लेकिन तभी पावर प्ले खत्म होने के बाद कप्तान हार्दिक दिखाते हैं अपना असली जलवा। कुलदीप को उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने आते ही मात्र 20 गेंदों पर 3 छक्कों की बदौलत 33 रन बनाकर खेल रहे ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी करवाई।
उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श। भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से शिकंजा कसना चाहते थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। एक छोर से जहां वार्नर पारी को बिल्ड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से मार्श ने अपना आक्रामक रुख अपनाते हुए शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए केवल 26 गेंदों पर 5 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने कुलदीप, सिराज, कृष्णा सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई और वार्नर ने भी अपनी जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए 36 गेंदों पर 50 पूरा कर लिया। ये दोनों टीम इंडिया के लिए काल का दूसरा नाम बन गए और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवरों में 196 रनों तक पहुंचा दिया। वार्नर 84 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे, तो वहीं मार्श ने भी 68 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। इन दोनों ने साथ मिलकर कुल 14 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य दे दिया था। 197 रन का पीछा करने के लिए ईशान किशन के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा करेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने भारतीय टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए पहले किशन तो फिर गिल को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। भारतीय फैंस की तो हालत खराब हो गई थी, वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या के भी पसीने छूटते हुए दिख रहे थे। रनों का खाता खुलने से पहले विकेटों की बौछार ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी, लेकिन टीम इंडिया इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है, ये भी उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया। लाजवाब फॉर्म में चल रहे मिस्टर 360 सूर्या ने टीम को जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और कप्तान हार्दिक के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर भारतीय पारी को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से ये मुकाबला पलटने लगा था। सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले का बदला पूरा करते हुए अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ही पूरा कर कंगारुओं की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया था। पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज रहा था, लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही सूर्य कुमार यादव ग्रीन को अपना विकेट दे बैठे। 52 रनों के स्कोर पर वो भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह दूसरे छोर पर कप्तान हार्दिक ने सराहनीय बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। भारत को जीत के लिए अभी भी केवल 8 ओवरों में 92 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया सोच रही थी कि वो इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। और दोस्तों, ऐसे में ये भी देखने को मिला, रिंकू ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया की सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 22 रन ठोककर मुकाबले को भारत की तरफ झुका दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ साथ उनके फैंस की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की। मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर जीत के लिए केवल 15 रन चाहिए थे और कप्तान हार्दिक पांड्या को अपना शतक पूरा करने के लिए भी 16 रनों की दरकार थी। अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस की पहली गेंद पर लगातार उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर भारत की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंदबाज की घातक यॉर्कर को महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में अपने हेलीकॉप्टर शॉट से स्टेडियम के बाहर छक्के के लिए मारकर एक रोमांचक मुकाबले में भारत को जीत दिला दी थी। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी आतिशी पारी से एक बार फिर चमत्कार किया। जहां शतक के बाद उन्होंने अपना बल्ला उठाकर पूरे स्टेडियम का इस्तकबाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने भी पूरी महफिल अपने नाम कर ली। उसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने भी पूरी महफिल नाम की। उसके साथ ही टीम इंडिया ने आखिरी वनडे में अपनी हार का बदला भी चुकता कर लिया। जी हां दोस्तों, इस T20 मुकाबले में तो रोमांच भी अपनी सारी हदों को पार कर गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वनडे विश्व कप में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक शतक लगाएगा? रोहित शर्मा, कोहली या फिर गिल या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर हार्दिक के नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज का बदला लेने कदम रख चुकी है। जहां सिक्का हार्दिक के पक्ष में रहा, तो फिर सूर्य और गिल ने बल्ले से मचा दिया तबाही। तो आखिर कितना हो गया भारत का स्कोर, किस बल्लेबाज ने ठोका है इस T20 मुकाबले में सबसे तेज शतक, किन 11 भूखे शेरों के साथ गदर मचाने मैदान में उतरी है दोनों टीमें, इस मुकाबले का आंखों देखा हाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला गंवाने के बाद जहां एक तरफ टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए कमर कस चुकी है,
5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही कम समय शेष है, तो ऐसे में दूसरी तरफ हमारे सामने विश्व जयंत कंगारुओं की टीम चुनौती लेकर खड़ी है, जहां हमें अपनी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया से दो दो हाथ करने के साथ साथ उनके घमंड को भी ठिकाने लगाने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि भारत एक साथ 2 से 3 टीमें बनाकर दुनिया के किसी भी देश में टूर्नामेंट खेल सकता है, और ऐसा ही कुछ लाइव नजारा अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहां बस थोड़ी देर में हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20 की जंग में एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। यानी कि एक बार फिर विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें लोगों के बीच सबसे प्रचलित T20 फॉर्मेट में एक नया इतिहास लिखेंगी। इसके अधिक रोमांचक तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको बता दें, 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है निश्चित हुई है, जो कि हिंदुस्तान में होने जा रही है।